हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चिलारा टाइम्स। मैं हूँ ध्रुव और आज मैं एयरटेल माई वाईफाई डेटा कार्ड का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। आज के टाइम में यह बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, स्पेशली फॉर दोस रिमोट एरिया में जो रहते हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या तो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, या भी कोई भी काम इंटरनेट से रिलेटेड हो, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। तो आइए मैं आप सबको इसका जो टेक्निकल डिटेल्स है वो बताता हूँ। दोस्तों, इसका जो प्राइस है अराउंड 2200 है, 2200 रुपीज़। जो ब्रांड है इसका एयरटेल डिजिटल टीवी है और इसके साथ वाईफाई बिल्ट इन है और यूएसबी केबल है एक चार्जिंग के लिए, और आपका मैक्सिमम अपस्ट्रीम जो स्पीड है इसका 50 Mbps मैक्सिमम अपस्ट्रीम स्पीड है। ये जो हॉटस्पॉट डिवाइस है, इसके साथ आप एक साथ 10 डिवाइसेस साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हो। और इसका जो बैटरी बैकअप है ये 5 to 6 आवर्स है, और इसका जो बैटरी है 2300 mAh का बैटरी है, और सपोर्ट ये आपका 4G स्पीड सपोर्ट करता है और पोस्ट पेड और प्री पेड सिम दोनों सपोर्ट करता है। बट हाँ, ओनली एयरटेल सिम सपोर्ट करता है, अदर देन एयरटेल सिम ये दूसरा सिम सपोर्ट नहीं करेगा ये डिवाइस, क्योंकि ये स्पेशली फॉर एयरटेल सिम के लिए बनाया है एयरटेल कंपनी की तरफ से, तो ये ओनली एयरटेल सिम ही सपोर्ट करेगा। और इसमें आप एक्सटर्नल SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, 32 GB सपोर्ट करता है एक्सटर्नल SD कार्ड। और इसका वेट है 140 ग्राम ओनली, तो आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट टेक्निकल डिटेल्स जो था इस डिवाइस का। तो मैं आप सबको इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या मिलता है हम सबको। तो दोस्तों ये देखिए, एयरटेल माई वाईफाई का डाटा कार्ड है और इसके साथ आपको एक 2300 mAh का बैटरी दिया है इन्होंने, और एक USB केबल दिया है फॉर चार्जिंग, चार्ज के लिए इस डिवाइस को चार्जिंग के लिए एक USB केबल भी दिया है इन्होंने, और एक यूज़र मैनुअल दिया है। तो इस डिवाइस को खोल के देखते हैं। ये तो फ्रेंड्स, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपका बैक साइड में कैसे बैटरी वगैरह सेट करते हैं, सिम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो ये रहा डिवाइस का बैक साइड, इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है इन्होंने। एक SD कार्ड का ऑप्शन है और एक सिम कार्ड का ऑप्शन है, ये वाला ये जो है SD कार्ड का है और ये वाला सिम कार्ड का ऑप्शन है। सिम कार्ड नैनो सिम कार्ड सपोर्ट करता है ये एयरटेल का। ओके फ्रेंड्स, मैंने अभी अपना जो एयरटेल सिम था वो इंसर्ट कर दिया, एयरटेल का नैनो सिम। अभी बैटरी को लगा के देखते हैं इसका परफॉर्मेंस, नेटवर्क स्ट्रेंथ क्या होगा, ये सब टेस्ट करते हैं अभी। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं स्विच ऑन करूँगा इस डिवाइस को और देखते हैं क्या क्या, बहुत सारा इंडिकेटर दिया हुआ है। ये वाईफाई इंडिकेटर, नेटवर्क इंडिकेटर, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर इन्होंने। देखिए सिग्नल इंडिकेटर, टू लाइट ऑन, सिग्नल वीक, ग्रीन लाइट ऑन, सिग्नल गुड। अगर ग्रीन लाइट ऑन होगा तो सिग्नल, दैट मीन्स सिग्नल इज गुड। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि आप जब भी इस डिवाइस के थ्रू आपका कोई लैपटॉप या मोबाइल कनेक्ट करोगे तो फर्स्ट टाइम डेफिनेटली आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड इसका जो है बैटरी के नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पर सारे डिटेल्स दिया हुआ है, इनका जो पासवर्ड है, वाईफाई पासवर्ड, उसके बाद आईपी एड्रेस जो आपको डिवाइस को कॉन्फ़िगर करोगे आप फर्स्ट टाइम, उसके लिए आईपी एड्रेस वगैरह भी दिया हुआ है और एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह भी दिया हुआ है। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा इस पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ से आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हो फर्स्ट टाइम जब आप कनेक्ट करोगे, ठीक है। और यहाँ से आप पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अपना एयरटेल माई वाईफाई जो मेरा डेटा कार्ड है उससे कनेक्टेड हो गया अभी, जो इन्होंने बैटरी के नीचे जो वाईफाई का पासवर्ड दिया है उससे मैंने अभी कनेक्ट किया, ठीक है। अभी हम ब्राउज़र में लॉग इन करके इसको
कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। आईपी एड्रेस दिया हुआ है इन्होंने 192.168.1.1, इस आईपी एड्रेस में लॉगिन करके आप इसका कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो इस डिवाइस को, ठीक है। जो आईपी एड्रेस दिया हुआ था 192.168.1.1, इसको मैंने ब्राउज़र में एंटर किया, एंटर करके हिट किया तो ये वाला पेज आया, एयरटेल माई वाईफाई का जो पेज आया, ठीक है। अभी हम एयरटेल इसमें कनेक्टेड दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इस पर लॉग इन करूँगा, जो एडमिन क्रेडेंशियल है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन एडमिन ही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि अपना वाईफाई का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है उसको चेंज करना है, तो आपको पहले कहाँ होगा, होम पेज में जाके ये जो सेटिंग्स वाला है, सेटिंग्स में क्लिक करो। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेगा। उसके बाद आप WLAN में जाओ, WLAN बेसिक सेटिंग्स में जाओ। बेसिक सेटिंग्स में क्लिक करने से आपको ये वाला पेज आएगा, ठीक है। WLAN बेसिक सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पर जो दिया हुआ है SSID, यहाँ पर आप अपना कनेक्शन का नाम भी चेंज कर सकते हो। सपोज़ एयरटेल माई वाईफाई EMF ये दिया हुआ है, मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, अपना नाम भी दे सकता हूँ, ठीक है। माय वाईफाई मैं अपना नाम दे सकता हूँ, ठीक है। मैं अपना नाम दे दिया लास्ट में, और इसके बाद सिक्योरिटी मोड ये डिफ़ॉल्ट रहने दें, और जो प्री शेयर्ड की है यहाँ पर अपना पासवर्ड चेंज कर, जो आप नया पासवर्ड रखना चाहते हो वो डाल दो, ठीक है। मैंने चेंज कर दिया ऑलरेडी, तो उसके बाद इसको अप्लाई करो। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो नाम दिया हूँ अभी सेटिंग्स में जाके, ये वाला नाम मेरा वाईफाई में शो कर रहा होगा अभी, देखो एयरटेल माई वाईफाई थ्रू मेरा नाम दिखा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने नाम रखा SSID वाला जो रो है, इसमें जो नाम रखा वही अभी वाईफाई का नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे मैं अपना वाईफाई का नेम और पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपना एयरटेल का माई वाईफाई से अभी कनेक्टेड हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, एयरटेल माई वाईफाई कनेक्टेड हूँ। मैं आपको अभी ऐसे स्पीड टेस्ट करने के लिए एक यूट्यूब का वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट यूट्यूब वीडियो देखने में है तो देखते हैं इसका स्पीड कैसा है। स्पीड तो काफ़ी अच्छा है, क्लिक करने के साथ ही प्ले हो गया। एयरटेल का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, मतलब इस एरिया में देखो कोई बफरिंग वगैरह नहीं हो रहा है, रियल टाइम में वीडियो प्ले हो रहा है एकदम, है ना। दैट मीन्स स्पीड काफ़ी अच्छा है एयरटेल का। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट माई रिव्यू ऑन एयरटेल माई वाईफाई। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो ये डिवाइस, जो वाईफाई डाटा कार्ड काफ़ी पोर्टेबल है, और जो इसका बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। ये बेसिकली जो रूरल एरियाज़ में जो रहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जैसे कि आप रूरल एरियाज़ में ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह नहीं मिलता है, और अगर आप ले भी लोगे ब्रॉडबैंड कनेक्शन तो इलेक्ट्रिसिटी का भी काफ़ी प्रॉब्लम रहता है कि लाइट ज़्यादा टाइम रहता नहीं, तो इन दैट केस आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेके फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे डाटा कार्ड, वाईफाई डाटा कार्ड यूज़ करें, क्योंकि इसमें लाइट अगर चला भी जाए, नहीं भी रहे विलेज एरिया में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब तक आपका एयरटेल का नेटवर्क रहेगा तब तक आपका ये डेटा कार्ड काम करेगा। सो यही मेरा मेन पर्पस था, ये वाईफाई डेटा कार्ड लेने का। ओके ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट माय रिव्यू। सो इसका मैं कुछ दिन यूज़ करके आपको फिर से बता दूँगा, अगर आप चाहो तो, कि ये कैसा हीटिंग इशू, कोई एनी प्रॉब्लम, हीटिंग इशू वगैरह, नेटवर्क स्पीड कैसा है, तो मैं कुछ दिन यूज़ करने के बाद वो भी आपको शेयर कर दूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।